हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर, जो कि आपको करवाएगा तैयारी यहां पे यूपी लेखपाल के लिए। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो देखिए, अब अगर मैं बात करूं आपसे यूपी लेखपाल के बारे में, तो इसका नोटिफिकेशन जारी होगा लॉकडाउन के तुरंत बाद। और अगर बात की जाए यहाँ पे सीटों की, तो यहाँ पे लगभग सीटें आपकी कितनी हैं, 5200। तो यहाँ पे आपके लिए कह सकते हैं कि ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो मतलब एग्ज़ाम भी जल्दी होगा। तो इसके लिए क्या किया जाए, सबसे बेस्ट तरीका क्या तैयारी का, तो पिछले साल के पेपर उठा लो, कोई भी यही चीज़ कहता होगा। ठीक है, तो यही जो पिछले साल के पेपर हम लोग उठाएंगे, तो ये क्विज फॉर्म में करेंगे। मतलब क्या है, इस क्विज के रूल भी होंगे। आप अपने साथ में एक नोटबुक रखेंगे, उसमें क्वेश्चंस में अगर आपका सही होगा तो अपने में +1 कर लेंगे, और अगर गलत होगा तो 0 कर लेंगे। और जब क्विज पूरा खत्म हो जाएगा 20 क्वेश्चंस का, तब आप देखेंगे कि आउट ऑफ 20 आपके कुल कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। तो उम्मीद करता हूँ रूल्स भी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। पहला सवाल क्या कह रहा है हमसे, केंद्र सरकार के विकास व्यय में क्या शामिल नहीं है। 10 सेकेंड है, फटाफट इसको जवाब देने का प्रयास करें। देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया विकास व्यय में क्या शामिल नहीं है। ठीक है, और तो यहाँ पे जो पहले आपका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपका भी ठीक है तो अपने में +1 ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब देखो, अगर विकास व्यय की बात की जाए तो मतलब बाकी तीन ऑप्शंस क्या होंगे आपके, ये विकास व्यय में आते होंगे। विकास व्यय का मतलब क्या होता है, समाज का विकास करना। अब समाज में क्या आ गया, आपका राज्य भी आ गया, सामाजिक सामुदायिक सेवाएं भी आ गई, और आर्थिक सेवाएं भी आ गई। तो ये रक्षा सेवा किस में आता है, ये रक्षा सेवा आता है आपका नॉन डेवलपमेंट में। ये हो गया डेवलपमेंट, तो ये क्या हो गया, नॉन डेवलपमेंट। क्या और भी कुछ आता है जो नॉन डेवलपमेंट में होता है, तो आप बताएंगे यहाँ पे सब्सिडी, यानी जो सब्सिडी होती है उसके अलावा, जो सरकार आपको सब्सिडी देती है उसके अलावा जो भी पेंशन होती है, ये भी किस में आती है, नॉन डेवलपमेंट में आती है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन के द्वारा होता है। ठीक है, 10 सेकेंड है, फटाफट पहले खुद से यहाँ पे जवाब देने की कोशिश कीजिए या फिर उसको लिख लीजिए। देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगर आपने भी सी दिया है तो +1 कर लीजिएगा। देखो, हीमोग्लोबिन अगर बात की जाए तो किसका परिवहन कर रहा है आपका, ऑक्सीजन का। किस में करता है ये, ब्लड में करता है, राइट। तो ये जो अगर प्रोटीन है तो मतलब इसमें अमीनो एसिड भी तो होंगे, तो सवाल ये भी तो हो सकता है कि किस किस प्रकार के, यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन किस प्रकार का फॉर्म है, एक अमीनो एसिड का रूप है। ठीक है, अब देखो केराटिन, केराटिन कहाँ पाया जाता है, अब क्या बताओगे, यहाँ पे बालों में ही तो पाया जाएगा, और वहीं मायोग्लोबिन ये आपके पाए जाते हैं मसल फाइबर में। ठीक है, मसल्स में पाए जाते हैं, जैसे हाथों के पैरों की जो मसल्स होती हैं वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या है, तीसरा सवाल है। पहले इसको खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे राइट आंसर क्या है। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगर आपने भी दिया है ए तो अपने नोटबुक में लिख लीजिए +1। तो देखो, यहाँ पे माइग्रेशन का या गमन का मतलब क्या होता है, गमन का मतलब होता है जाना। ठीक है, अब आप चाहे एक देश से दूसरे देश में जाओ या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओ, दोनों को ही टर्म हम लोग क्या यूज़ करते हैं, माइग्रेशन यूज़ करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाना। अगर यहाँ पर जाना है तभी हम क्या इस्तेमाल करेंगे आपका, माइग्रेशन। तो अब बाकी ऑप्शन एक बार देख लो, तो लोगों का सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन, मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसी तरह संचलन यहाँ पे भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन भी अपने आप क्या हो जाएगा आपका, राइट, रॉन्ग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार के द्वारा कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, काफ़ी पुराना यहाँ पे आपका भूकंप आया हुआ था, फटाफट पहले इसका जवाब दीजिएगा कि आप यहाँ पे क्या टिक करेंगे।
देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेशन मैत्री। तो ऑपरेशन मैत्री से ये भी पूछा सकता है किन दो देशों के मध्य संबंधित है, तो भारत और नेपाल से संबंधित है। और ये आपका साल 2015 में चलाया गया था, जब भूकंप से बचाव हेतु यहाँ पे सरकार के द्वारा या सेना के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया थी, हेल्प की गई थी। ठीक है, अच्छा बात की जब भूकंप, तो भूकंप को नापते किससे हैं, तो आप क्या बताएंगे, रिएक्टर स्केल से नापते हैं। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है जो हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ठीक है, फटाफट जरा खुद से यहां पे टिक कीजिए, फिर देखिएगा राइट आंसर क्या है। देखिए यहां पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 वर्ष। तो अगर आपने यहाँ पे आकर सही किया है तो +1 कर लीजिएगा, वरना 0 दे दीजिएगा। ठीक है, देखो 25 वर्ष होता है लोकसभा के चुनाव के लिए, और वहीं अगर राज्यसभा के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तब आप क्या बताओगे, उसके लिए होती है 30 वर्ष की मिनिमम आयु। ठीक है, अब आप कहोगे ये लोकसभा और राज्यसभा ये किसके सदन होते हैं, तो ये संसद के दो सदन होते हैं, पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन डे किसके द्वारा मनाया गया था? ठीक है, बहुत इजी भी है, इसको फटाफट पहले अपनी नोटबुक में टिक करो कि ऑप्शन क्या होगा। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए यहां पर डेट क्या दी हुई है आपकी, 1946। तो 1946 में अगर किसी ने भी प्रत्यक्ष कार्यवाही की होगी, ठीक है, तो वो सेपरेट रिलीजन के लिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही नाम आते हैं आपके, एक तो कांग्रेस, दूसरा क्या आता है, मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे आपका कब घोषित किया गया ये भी याद रखना है आपको, 16 अगस्त 1946 को लागू किया गया, जिससे उन्होंने दो राष्ट्रों की मांग को शुरू किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? जहाँ पे चार ऑप्शन है, पहले खुद से ट्राई कीजिए राइट ऑप्शन क्या होगा, और जो टिक मार्क है उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है आपको। देखिए यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। तो चौरी चौरा कांड में हुआ क्या था? ठीक है, ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था सवाल ये उठता है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, जिसमें भीड़ के द्वारा जो पुलिस चौकियाँ होती हैं उनको जला दिया गया था। और इस ये घटना इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके बाद गांधी जी के द्वारा यहाँ पर NCM यानी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि भीड़ क्या कर रही है, अहिंसक आंदोलन कर रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री की भी दृष्टि से, कब शुरू हुआ है आपका, 5 फरवरी 1922 को। अब अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋणी विद्युती तत्व कौन सा है? ठीक है, फटाफट जरा इसको आप पहले नोट कीजिए और फिर चेक कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इतना याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्लोरीन होता है, फिर आपका फिर ब्रोमीन होता है, और फिर आयोडाइड होता है। यही चार जो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रोनिगेटिव आपके एलिमेंट्स माने गए हैं। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा, FCl BRI। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं हमसे, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता था? ठीक है, पहले तो यहाँ पे आपको बताना है 2015 को किसने जीता था। ठीक है, फिर हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अगर आपने जो है टिक किया है यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी, तब तो अपने में टिक कर लीजिए +1, अगर नहीं किया है तो वहां लगा दीजिए 0। तो चिली यानी चाइल में ये आपका आयोजित किया गया था साल 2015 में। और अगर वहीं बात कर ली जाए साल 2019 की, ठीक है, तो अभी हाल ही में हुआ था, तो ये हुआ था ब्राज़ील में। तो देखो एग्जामिनर ये भी तो पूछ सकता है कि इसका विनर कौन है,
तो ये ब्राज़ील ही था आपका साल 2019 का विनर। अच्छा, ये कोपा अमेरिका ये कहाँ पर कराया जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका का नाम सुना है, ठीक है, जहाँ ब्राज़ील वगैरह है, ये दक्षिणी अमेरिका के देशों के द्वारा खेला जाने वाला कप होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? ईजी नहीं है, टिपिकल लेवल का है ये। पहले अपने आप जो नोटबुक है उसमें ऑप्शन टिक कीजिए, फिर चेक करना कितना सही था और कितना आपका गलत था। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विपक्ष का नेता, इसे लीडर ऑफ अपोजिशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन अभी कौन है आपके? गुलाम नबी आजाद। ठीक है, तो गुलाम नबी आजाद अगर यहाँ पे आपके क्या है, विपक्ष के नेता यानी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उन्हें कैबिनेट स्तर के यहाँ पे मंत्री का जो दर्जा है वो दिया जाता है। ठीक है, अब अगर देखिए यहाँ बात की जाए बाकी अदर ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पर ये जो है आपका यानी कैग है, और उसके अलावा यहाँ पे आपका जो महान्यायवादी होता है, ये दोनों ही आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, इसको याद रखना, ये संवैधानिक पद होते हैं जो संविधान में दिए गए हैं। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर, तो आप इसका नाम क्या बताएंगे? तो इनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? रेखाओं के बारे में पूछा गया है, पहले खुद से टिक करना, फिर आप चेक करना आपका ऑप्शन सही है या फिर गलत है। देखिए इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले एक चीज़ ये देखनी है कि अगर ऑप्शन तो इस तरीके से दे दिया गया, ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि इक्वेटर होता है, ठीक है, ये है आपका अर्थ, और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये जो कन्याकुमारी है आपका, तो ये इस तरह भारत है आपका। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे ये नॉर्थ होगा या साउथ होगा? नॉर्थ होगा ना। अब हमें ऑप्शन में देखना है नॉर्थ कहाँ पे, ये है नॉर्थ, और यहाँ पे ऑप्शन में और क्या सही होना चाहिए आपका, इक्वेटर लाइन, ये है ना इक्वेटर आपकी, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो कन्याकुमारी कहाँ स्थित है आपकी? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ना कि दक्षिण में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के लेते हैं अगला सवाल। वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? पहले अपने अपनी कॉपी में इसको नोट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रंगून। ठीक है, तो रंगून को ही अब हम लोग जानते हैं म्यांमार के कैपिटल यानी यंगून के नाम से। ठीक है, इसको अब यंगून के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ है आपका, म्यांमार में है। तो होता क्या है, 1857 की लड़ाई में इनको जो है बहादुर शाह जफर को कह सकते हैं मुखिया बना दिया जाता है, सरदार बना दिया जाता है पूरे आंदोलन का। अब जब हार जाओगे तो जो आपकी ब्रिटिश सरकार है वो उन्हें कहाँ भेज देती है, रंगून भेज देती है। तो ये आपके ऐसे यहाँ पे शासक हैं जिनको कहाँ भेजा गया था, रंगून भेजा गया था, जहाँ पे इनकी मृत्यु भी हो जाती है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 10 सेकेंड है, फटाफट पहले खुद से नोट कीजिए कि ऑप्शन क्या होगा, फिर चेक कीजिएगा राइट आंसर। अच्छा, आप लोग एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि जब भी आप लोग यहाँ पे पूरा सॉल्व कर लीजिए तो कमेंट बॉक्स में खुद से वहाँ पे आप चेक कीजिए अपना डाल करके कि आपके आसपास के लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको खुद भी अंदाजा रहेगा अपनी तैयारी का, ये भी एक चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जब नमक कर का विरोध किया था उन्होंने, यानी साल्ट मार्च किया था, कहाँ से किया था, साबरमती से किया था। ठीक है, तो साबरमती से यहाँ पे मार्च किया जाता है, और फिर इसके बाद गांधी जी के द्वारा 1930 में, ठीक है, 1930 में डांडी में क्या किया, डांडी तक आपका सॉल्ट मार्च किया जाता है, और वहाँ पे नमक को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया जाता है, और इसीलिए उसको क्या माना गया, उसका मुख्य उद्देश्य माना गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की जाती है? पहले अपनी नोटबुक में आप उसको नोट कर लीजिए और फिर चेक कीजिएगा राइट आंसर।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहसिन राम, ठीक है। अगर आपने किया है मोहसिन राम यानी ऑप्शन नंबर सी तो अपने में लिख लीजिए प्लस वन। तो देखो वहीं अगर बात की जाए मोहसिन राम कहाँ पर है आपका, तो मेघालय में पड़ता है और भारत में उच्चतम यहाँ पे क्या है आपकी वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। और वहीं अगर इससे पहले आपकी कहाँ पे होती थी, तो चेरापूंजी में होती थी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और चंबा वैली ये कहाँ पर है आपकी, ये हिमाचल प्रदेश में है। और नामची या नामचा बरुआ ये कहाँ पर है आपका, ये सिक्किम है, ये भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एनपीपी से क्या अभिप्राय है, इसमें चार उसके फुल फॉर्म है। पहले अपने नोटबुक में टिक कीजिए सही ऑप्शन। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है। तो पॉपुलेशन पॉलिसी को आपका साल 2000 में लागू किया गया, जिसे हम लोग राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भी कहते हैं हिंदी में। तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि 2070 तक, अभी हाल ही में ये साल बदला गया है, तो 2070 तक जो भारत की जनसंख्या है उसे स्थिर कर देना। स्थिर का मतलब क्या हुआ, आपने एक बड़ा ही फेमस वो सुना होगा स्लोगन, तो हम दो हमारे दो, तो इसके माध्यम से क्या होगी, स्थिरता बढ़ेगी। कब तक, 2070 तक। तो ये किसमें कहा गया है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे चुना गया है, ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 2019 के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन तो यहाँ पे आपके लिए है नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे अगर मैं आपको एक और दे दूँ यहाँ पे शशांक मनोहर, ठीक है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, चलिए फटाफट बताइए। एक और लिख देते हैं सौरभ गांगुली, ठीक है। इसका मेरे ख्याल से अब आप लोगों को यहाँ पे राइट आंसर भी मिल गया होगा, तो राइट आंसर तो हो जाएगा शशांक मनोहर, किसके यहाँ पर हैं आपके, आईसीसी के अध्यक्ष हैं। वहीं अगर बात कर लीजिए आपसे बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन माने जाएंगे आपके, सौरव गांगुली, ठीक है। अगर वहीं पर अगर हम लोग पहले देखें तो कौन थे आपके, तो उससे पहले जगमोहन दालमिया भी रह चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा डिगबोई पानीपत ये आपके किसके द्वारा स्थापित की गई है, ठीक है, कौन सी कंपनी इसके द्वारा स्थापित की गई। फटाफट जरा पहले खुद से नोट कीजिए कि आपने क्या आंसर आप टिक करना चाहते हैं, और जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करेंगे तब तक आपको यहां पे सॉल्यूशंस भी नहीं मिलेंगे, आपको लगेगा हर एक क्वेश्चन कठिन है या फिर बहुत सरल है, ठीक है। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी यानी कि IOCL, IOCL का फुल फॉर्म इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो मथुरा डिगबोई और पानीपत में यहाँ पर जो आपकी परीक्षण जो यहाँ पे जो बनाई गई हैं, यहाँ पे आपकी मशीन्स वगैरह लगाई गई हैं, तो ये किसके द्वारा लगाई गई हैं, IOCL के द्वारा लगाई गई हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पे ऑयल का एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अच्छादन या अनावरण किसी पदार्थ के वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है, यानी ये पूछा गया है कि अगर कहीं से पानी निकाल दिया जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। पहले इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, ठीक है, 10 सेकंड है, कोशिश कीजिए इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी प्रस्वेदन, प्रस्वेदन को हम लोग ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन वो आपकी या प्रस्वेदन वो प्रक्रिया है जिससे वायु से नमी का अवशोषण किया जा सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दालें किसका अच्छा स्रोत होती है। 10 सेकंड में अपनी पहले नोटबुक में राइट आंसर टिक कीजिए और फिर देखिएगा राइट आंसर क्या है। मेरे ख्याल से तो इसके लिए आपको 10 सेकंड भी काफ़ी कह सकते हैं, एक तरीके से ज़्यादा ही माने जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। तो दालों का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना गया है, प्रोटीन के लिए माना गया है, ठीक है। इसलिए दालें ज़्यादा ज़्यादा खानी भी चाहिए, कौन कौन सी विशेष खानी चाहिए, तो इसमें हो गया आपका यहाँ पे चना हो गया, ठीक है, इसके अलावा मटर हो गया और या फिर अरहर हो गया, ठीक है, ये सब प्रोटीन के काफ़ी अच्छे सोर्स हैं। और अगर वहीं प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स कहा जाए तो क्या है वो आपका, सोयाबीन होता है। सोयाबीन में सबसे अधिक आपका क्या होता है, प्रोटीन, लगभग आप मान सकते हैं मैक्सिमम परसेंट है वो है 36 ग्राम होता है, ठीक है, लगभग 100 ग्राम के सोयाबीन में 36 ग्राम प्रोटीन आपका पाया जाता है। और वहीं पूछ लीजिए कार्बोहाइड्रेट,
तो आलू किसका रूप माना जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का रूप ही तो माना जाएगा। और वहीं वसा के लिए आप क्या मान सकते हैं? कोई भी ऑयल वगैरह किसका स्रोत है? आपका वसा का स्रोत हो गया। ठीक है, चलिए तो ये देखिए, आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम पे जब भी आएंगे तो खुद से चेक कर पाएंगे आपका यहाँ पे सुधार हुआ या फिर नहीं हुआ। तो तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।